वैज्ञानिकों ने किया कमाल, अब मछलियां भी चलाएंगी कार, जानिए कैसे। वैज्ञानिक आए दिन ऐसी खोज और एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं जिनके बारे में सुनकर और पढ़कर एक बार तो यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। हाल ही में एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट वैज्ञानिकों ने किया है जिसके बारे में आपको शायद ही यकीन होगा। इस एक्सपेरिमेंट के तहत वैज्ञानिकों ने मछली से एक कार चलवा दी। आखिर पानी में रहने वाली मछली कैसे कार चला सकती है, जानने के लिए इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहें। लेकिन दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। चलिए, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है और बेल आइकन भी दबा लिया है तो इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और आगे वीडियो का मजा लीजिए। दोस्तों, ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। और ये बात सच भी है, बिना पानी के अमूमन मछली रह ही नहीं सकती। मगर वैज्ञानिकों ने एक एक्सपेरिमेंट के तहत पानी में रहने वाली इस मछली को एक किस्म के कार चलाने के लिए इस्तेमाल किया है। आप अभी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आखिर ये सब कैसे हुआ, तो चलिए हम आपको ये सब समझा ही देते हैं। दरअसल मछली से खास किस्म की कार चलाने वाला एक्सपेरिमेंट इजराइल के बेन गुरियान यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने किया है। इस प्रयोग में वैज्ञानिकों ने गोल्ड फिश का इस्तेमाल किया है। इस एक्सपेरिमेंट में वैज्ञानिकों ने पहले मछली से कार चलवाने के लिए खास किस्म की रोबोटिक कार को डिजाइन किया। फिर उस रोबोटिक कार के ऊपर पानी के टैंक में एक गोल्ड फिश को रखा गया। इस रोबोटिक कार में तथा पानी के टैंक में कंप्यूटर से जोड़कर एक लाइडर भी लगाया गया और लाइडर के नीचे एक कैमरा जोड़ा गया जो मछली के मुंह की दिशा को समझकर उसके निर्देश कंप्यूटर को देता था। अब मछली जिस तरफ अपना मुंह करती थी, कार उसी दिशा में मुड़ जाती थी। एक्सपेरिमेंट के अनुसार इस प्रयोग से ये पता चला कि एक मछली किसी परिस्थिति में कार चला सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मछली के इस तरीके से रोबोटिक कार चलाने से वैज्ञानिकों को क्या हासिल होगा। दरअसल ये एक्सपेरिमेंट जीवों के नेविगेशन सिस्टम को समझने के लिए किया गया था। इस प्रयोग के तहत ये देखा गया कि एक जीव किसी रास्ते को किस तरह याद रखते हैं। साथ ही इस एक्सपेरिमेंट के जरिए गोल्ड फिश के बिहेवियर को भी समझना था कि इनका नेविगेशन सिस्टम कैसा होता है। ऐसे एक्सपेरिमेंट से वैज्ञानिकों को मछलियों समेत अन्य समुद्री जीवों के बारे में रिसर्च करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, वैज्ञानिकों के इस अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करते हुए शेयर जरूर कर दें और उम्मीद है आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा लिया होगा। अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, अभी जाते जाते जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं एक बार फिर आपसे एक नए वीडियो के साथ, लेकिन आप देखते रहिए आपका अपना चैनल यू थिंक हिंदी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।